लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंग्लिश टीचर तो फाइन है लेकिन वो केमिस्ट्री टीचर कितनी अकलाती है। यू शुड नॉट मेक फन ऑफ अ टीचर। हां देखो उसको देखकर ही क्या हुआ यार, वो लोग हमें देख के हंस रहे हैं। लॉलीपॉप यार, लॉलीपॉप खाते हुए हमें बच्चा तो नहीं समझ रहे, मुझे तो शर्म आ रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है? कौन से डॉक्टर ने कहा है कि बड़े लॉलीपॉप नहीं खा सकते? इट इज वेरी टेस्टी, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम खा रहे हैं। टू हेल विद देम यार, कम ऑन। कहां से आ गया इसके पास? बहुत अच्छे लॉलीपॉप है अंकल, मुझे ढेर सारी लाके दोगे? भाव, अगर हम तुम्हें लॉलीपॉप लाकर देंगे तो तुम हमारी बात मानोगी? हाँ, अगर ढेर सारी लाके दोगे तो। हाँ लाएंगे लाएंगे, ढेर सारी लाएंगे। ये अब हमें रोग के पिटारे तक पहुंचा कर ही रहेगी। जो काम कोई नहीं कर पाया ये लॉलीपॉप करेगा। कोई है? अरे कोई है? जी कहिए। जाओ जल्दी जाकर ढेर सारी लॉलीपॉप लेकर आओ, ढेर सारी, और इसे कपड़े भी बदल दो, कोई अच्छी सी साड़ी पहनाओ इसे, ठीक है? जाओ। गीता तुम साड़ी पहनोगी ना? अगर ढेर सारी लॉलीपॉप दोगी तब। ये वाली लॉलीपॉप? हाँ हाँ यही वाली, हम तुम्हें ढेर सारी ला कर देंगे। क्यों डॉक्टर? हाँ। तो मैं अभी पहन कर आती हूँ। वेरी गुड। वाह, अब देखना साहब, इसी लॉलीपॉप के जरिए तुम गीता को अपनी पत्नी बनाने में कामयाब हो जाओगे। प्यार 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 प्यार। हाँ, मैं शक्तिमान के प्यार में इस तरह से रंगती क्यों चली जा रही हूँ कि मुझे किसी भी चीज का होश नहीं है। बस बस दिल में एक ही तमन्ना बार बार उठती चली जा रही है कि मैं किसी भी तरह शक्तिमान को अपना बना लूं। लेकिन कैसे कैसे बनाऊं मैं शक्तिमान को अपना? उसकी नजरों में तो असली गीता ही उससे प्यार करती है, लेकिन मैं तो असली गीता से भी
उसे कहीं ज्यादा प्यार करती हूं। काश काश शक्तिमान मुझे समझने की कोशिश करता। काश। मैं समझ चुका हूं गीता। शक्तिमान। हाँ गीता, तुमने मुझे सच्चे दिल से याद किया इसलिए मैं चला आया। मैं जानता हूं तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। मैं भी पागल होने लगी हूँ शक्तिमान। रियली आई लव यू शक्तिमान। आई लव यू। तो फिर चलें बाहर। हाँ चलो। वो देखो कितना प्यारा है ना, खूबसूरत। शक्तिमान तुम यहाँ? गीता? गीता तो मैं हूँ शक्तिमान। तो फिर वो कौन है? होगी मेरी कोई हमशक्ल? तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम मेरी तरफ देखो ना, देखो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। शक्तिमान मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी गीता हूँ, आओ मेरे पास। वो मुझे बुला रही है। तो उसे बुलाने दो। तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, देखो ना, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना मजा आ रहा है उड़कर। हाँ शक्तिमान। वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, तुम उसकी तरफ मत देखो, तुम मेरी तरफ देखो, मुझसे बातें करो शक्तिमान, प्लीज मुझसे बातें करो। नहीं, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। अपना बना कर ही रहूंगी शक्तिमान, अपना बना कर ही रहूंगी। गीता, क्या हुआ गीता बेटे, तू चिल्लाई क्यों? कोई डरावना सपना देखा क्या? मैं तो डरी गई थी। हाँ माँ, वो सपना ही तो था। कितनी अजीब सी बात है ना, कुछ सपने कितने बुरे होते हैं और कुछ सपने कितने खुशनुमा। सपने तो सपने ही होते हैं। मैंने भी अभी तेरी शादी का सपना देखा। मेरी शादी का? माँ, मेरी शादी तो शक्तिमान से ही होगी ना? नहीं गीता, नहीं, तेरी शादी शक्तिमान से करके मैं तुझे मुसीबत में नहीं डाल सकती। तू उसे भूल जा बेटा। तू शक्तिमान के अलावा जिससे कहे कि मैं तेरी शादी करवा दूंगी। तो ठीक है, शक्तिमान से नहीं तो मैं गंगाधर से शादी करूंगी। गंगाधर से? वो तो किसी भी तरह तेरे लायक नहीं है गीता। आप जानती हैं, गंगाधर और उसकी माँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच कह रही है तू? हाँ माँ, गंगाधर की माँ ने मुझे खुद कहा था कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। ठीक है, शक्तिमान के अलावा गंगाधर तो क्या, तू किसी और से भी शादी की बात कहती तो मैं करा देती। ये तो और भी अच्छी बात है कि उसकी माँ तुझे बहुत चाहती है। पति के साथ साथ सासू माँ अच्छी मिल जाए ना, तो लड़की को कोई तकलीफ नहीं होती। मैं कल ही जाके सगाई की बात करती हूँ। बात क्यों माँ? गंगाधर की माँ तो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए बहुत बेचैन है। क्यों ना हम सीधी सगाई कर ले? ठीक है, तुझे बहुत जल्दी हो रही है, हम लोग कल ही जाके सगाई कर देंगे। माँ,
हम गंगाधर के घर अकेले नहीं जाएंगे। मेरा ऑफिस का सारा स्टाफ चलेगा शगुन लेकर। ठीक। अरे भाई आप तो बता दीजिए कि हम नृत्य किस खुशी में कर रहे थे। शोगाई गंगाधर शोगाई। शोगाई? ओ अरे भाई ये तो खुशी की बात है मगर किसकी और हमारे घर क्यों भाई? तुम्हारी सगाई गंगाधर। हमारी? हाँ गंगाधर जी आपकी सगाई गीता दीदी के साथ। अरे बजाओ भैया बजाओ। पागल हो गया तुम लोग सब लोग क्या? गंगाधर क्यों रोक दिया सब कुछ? कितना खुशी का माहौल था। माँ। नमस्ते जी। मैं गीता की माँ हूँ। हम लोग पहले कभी मिले नहीं ना। आओ छुओ बेटी। जीती रहो। जीती रहो बेटी। अच्छा यह बहन ये
ये आशीर्वाद बहुत ओल्ड हो गया जी है। अभी तो ऐसा बोलेगा सदा सौभाग्यवती रहो। हमारा चेन्नई में जब भी किसी का एंगेजमेंट होता ना माँ ऐसा ही आशीर्वाद देते जी है। मुझे मालूम नहीं था कि आप गीता को बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो मैं बहुत पहले आ गई। बैठने को नहीं कहेंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, आओ गीता बैठो। बैठिए। कितनी सुंदर लग रही है गीता इस जोड़े में, बिल्कुल दुल्हन जैसी है ना बहन जी? सचमुच मेरी बहुत इच्छा थी गीता को अपनी बहू बनाने की। मेरा भी यही अरमान था। आज हम दोनों की मुराद ईश्वर ने पूरी कर दी। गंगाधर खड़े क्यों हो, बैठो ना। नहीं देवी जी हम ठीक है, आप बैठिए। बचपन से बड़ा शर्मीला है गंगाधर। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है गंगाधर, और गीता तो फ्रेंड है, कोई अजनबी नहीं। अरे देख क्या रही है दीदी, खींच कर बिठाइए गंगाधर जी को, ये ऐसे नहीं बैठने वाले। अर्थात जबरदस्ती? हाँ हाँ बैठो ना गंगाधर, बैठो ना। शर्माइए नहीं बैठ जाइए। आज से मुझे देवी जी देवी जी कहना बंद, आज से तुम मुझे सिर्फ गीता कहोगे। क्यों? बड़े बुद्धू हो। अरे लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना, कम टू द पॉइंट। माजी शुरू कीजिए। समधन जी सगाई का मुहूर्त बीता जा रहा है, चलिए रस्म शुरू करें। ये शगुन के लिए कुछ लाई हूँ, अंदर रखवा लीजिए। हाँ हाँ बहन जी। सुनो जरा ये सामान अंदर रखवा दो तो। क्या हुआ गंगाधर? माँ हम ये विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हो बेटे, अभी तो सिर्फ सगाई है, शादी तो बाद में होगी। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इनसे कह दो यहाँ से जाने को। क्या बकवास कर रहा है गंगाधर, घर में आए मेहमान को भगाने के लिए कह रहा है, वो भी ऐसे मेहमान को जो लड़की वाले होकर भी लड़कों वालों का फर्ज अदा कर रहे हैं। गीता चल कर तुझसे सगाई करने के लिए आई है और तू ना कह रहा है। मैं ना के सिवा कुछ नहीं कर सकता माँ। अरे मान जाओ गंगाधर, वो ना गीता का दिल टूट जाएगा। शांत हो जाइए। मेरा जीवन मेरा है और हमने अभी तक विवाह करने का फैसला नहीं लिया है, क्योंकि हम किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते, अर्थात बंध नहीं सकते। इससे सगाई कैसे कर ले? ऐसी बात की तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? गीता तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया, क्या जरूरत थी आप सबको ये नाटक करने की? गंगाधर तुम इनकार कर रहे हो? यही समझ लीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए दीदी जी, परंतु हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम इस बंधन में नहीं बन सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते देवी जी, नहीं कर सकते। गंगाधर दिस इज नॉट गुड आई टेल यू। मैंने तो सही है उम्मीद नहीं की थी, आज तूने सचमुच दिल दुखाया है मेरा। अब हम इन सबको कैसे समझाए, इसके सिवा और कर भी क्या सकते थे? शक्तिमान